दोस्तों आज हम देखते हैं कैसे इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर लाइसेंस के चेक कर सकते हैं आप ऑनलाइन, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है और वो कुछ अप्लाई किया होगा आपने, उसका स्टेटस क्या है और आगे आपने कैसे अप्लाई करेंगे, मतलब मोस्ट प्रॉब्लम है सब कुछ दिखा सकते हो इसमें। तो स्टार्ट करते हैं, पहले आप मेन पेज में आ जाइए। इधर मुझे पहले से वेस्ट बंगाल जो सिटीजनशिप का जो साइट है उसको मैंने खोल देता हूँ। थोड़ा प्रॉब्लम था, ठीक है ये खोल गया है। तो इसमें मेरा इसमें पहले मेरा डिटेल्स ऑलरेडी भरा हुआ है, लेकिन थोड़ा नेट स्लो के वजह से ये थोड़ा स्लो चल रहा है, फिर भी ट्राई करते हैं। ये तो मेरा ऑलरेडी हो गया है, डाला हुआ है पासवर्ड और यूज़र नेम। तो मैंने इसको कैप्चर को डाल दिए और खोल ले गई। ये वेस्ट बंगाल रजिस्ट्री के अंदर ऑलरेडी मेरा है, तो मैं खोल देता हूँ। इसमें हम चला जाएंगे आपका ट्रैकिंग एप्लीकेशन, ये होम में भी जा सकता है। मैं ट्रैकिंग एप्लीकेशन से यूज़ता हूँ, थोड़ा ये चेंज हो गया है और मोबाइल में देखने से थोड़ा अलग हो जाता है। बस थोड़ा फॉर्मेट चेंज किया लग रहा है, बहुत बड़ा कर दिया भाई इसको। मैंने डेस्कटॉप मोड में कर लेता हूँ, इसको डेस्कटॉप साइड में कर लिया। नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है चलेगा। कुछ पता चल रहा है क्या? CPXHG बस अभी ठीक है, अभी ठीक है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इधर आपको कोई लाइसेंस बनाना है तो आप इधर से चला जाइए पावर में। पावर में आने से इधर आप देख सकते हैं एंडोर्समेंट ऑफ फादर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर लाइसेंस, एंडोर्समेंट ऑफ फादर पार्ट ऑफ नेशनल सुपरवाइजर लाइसेंस, एंडोर्समेंट ऑफ फर्दर पार्ट ऑफ वर्कमैन परमिट। आप ऐसे करके पूरा मिलेगा इसमें। आप एंट्री ऑफ रजिस्ट्री रिकॉर्ड जो मैंने पहले भी दिखाया था कॉन्ट्रैक्टर का, जो ओल्ड लाइसेंस से न्यू लाइसेंस कैसे बनाएंगे, एंट्री ऑफ रजिस्ट्री रिकॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर लाइसेंस, तो इसी टाइप को आप पूरा का पूरा बना सकते हैं। इसमें आपने ये भी कर सकते हैं जो न्यू लाइसेंस जो है वो भी रहेगा आपका इसके अंदर, न्यू कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस, न्यू इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर लाइसेंस। तो आपको नया करके सुपरवाइजर लाइसेंस बनना है तो आप इधर से घुस सकते हैं, लेकिन मेरा ऑलरेडी है। मैं आपको एक चीज़ और, एक मैं एक्चुअली जिसलिए मैं जो ओपन किया था वो है, मुझे देखना था मैं क्या ऑनलाइन अप्लाई किए थे उसका स्टेटस क्या है। तो मैं इधर से चला जाता हूँ, जैसे मैंने गया था इधर जाके आपको मेरा, हम चला जाएंगे ट्रैक एप्लीकेशन में, ठीक है ना। तो ट्रैक एप्लीकेशन में जाने के बाद ये पूरा जितना मेरा है देखिए ये सब आ गया, ठीक है ये सब देखिए सब आ गया सब। ये ड्राफ्ट डिलीटेड किया था मेरा दोस्त लोगों का सब था कुछ कुछ, ठीक है मेरा भी था। ये कौन सा एक अप्रूव हो गया, कौन सा है ये स्टार्टिंग डेट है क्या, इसको मैं देख लेता हूँ। हाँ इसको देख लेता हूँ, पूरा चेंज कर दिया एक्चुअली ये, ये ऐसे नहीं थे, ठीक है ना। देखिए डाउनलोड योर डिजिटल साइन सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्लीज क्लिक बिलो आइकॉन्स। तो ये मैं नहीं था, ये मैं काम करते हैं इसको
फिर मुझे जाना पड़ेगा बैक में, तो हमको फिर टेकन एक्शन, हमको फिर इधर से जाना पड़ेगा। जिसमें घुस जाऊँगा तो फिर नया करके खोलना पड़ेगा, तो इसमें खोल जाने से फिर मुझे ये लाइसेंस मेरा अप्रूव हो गया था। उसके बाद मैंने और एक अप्लाई किया, उसका स्टेटस देखना था। एक्चुअली सिर्फ चेंज कर दी, इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया, कुछ गड़बड़ नहीं है, ये आ गया है। हाँ, एंडोर्समेंट ऑफ फर्दर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सुपरवाइजर इन प्रोसेस में है, मैंने डाला था 2 महीना पहले, ये देखना 8/5 मतलब मई में डाला था मैंने। इसका प्रेजेंट स्टेटस देखिए, ये मेरा पूरा डिटेल्स डाला हुआ है, ये पेमेंट जो डिटेल्स है वो भी हो चुका है सक्सेसफुल। कितना है सक्सेसफुल? 1200 रुपया दिया था मैंने, और इसको मुझे प्रोसेस में है, देखिए ये सब प्रोसेस में डाला हुआ है, नो टेकन अभी तक, करंटली पेंडिंग दिखा रहे हैं। तो ये प्रिंट भी ले सकते हैं, उसके बाद इसलिए बंद हो जाएगा, तो ठीक है, थैंक यू। अब लोग देखते रहिए, मैं बाद में कुछ कुछ जब करेंगे तब बताएंगे, और इधर से हम लॉग आउट कर देंगे इसको अभी प्लग, ठीक है ना, ठीक है, ये लॉग आउट कर देते हैं इधर से इसको, लॉग आउट सब एक्चुअली चेंज कर दे, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, बाद में मैं वीडियो बनाऊंगा फिर।